सो है गाइज, कैसे सर आप सब बहुत ही मस्ती होंगे। तो गाइज आज का इस वाला वीडियो के अंदर आप लोगों में सिखाने वाला हूँ स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस टाइप का सीवी एडिटिंग कैसे कर पाएंगे। तो गाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो वीडियो को लास्ट तक रखें। सो गाइज चलिए वीडियो को लेते स्टार्ट। सो गाइज चलिए सबसे पहले मॉडल को स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेते हैं। ओके, उसके बाद गाइज कुछ स्टेप्स इस वाला टूल्स के अंदर आ जाना है। ओके, उसके बाद डबल एक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आप लोगों को ऐड फोटो के अंदर क्लिक करना है। ऐड फोटो के अंदर कुछ स्टेप से क्लिक करके फोटो पे आ जाना है। फोटो पे आकर कुछ स्टेप से आपको फोटो लेना जो है फोटो का आप लोग एडिटिंग करने वाले हो। इस स्टेप से फोटो को ले लेंगे हम लोग। उसके बाद इस वाला टूल्स के अंदर क्लिक करना। ओके, इस वाला टूल्स के अंदर क्लिक करके फोटो को लेना है सेव। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है। डबल एक्स वाले पे क्लिक करके बीस वाला ब्रश के अंदर क्लिक करना। ओके, फॉलो कर लेना है, थोड़ा सा रिमूव कर लेना। ओके, रिमूव करने के बाद फोटो को थोड़ा कर लेना जूम। फोटो को जूम करें कुछ स्टेप से हल्का हल्का सा रिमूव कर लेना। ओके, जितना ही टाइम देगा करोगे गाइज उतना ही अच्छा होगा आपको फोटो। तो गाइज कुछ स्टेप से कर लेना। तो गाइज हम वीडियो कर लेते हैं स्प्रेड। तो गाइज आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ओके, तो गाइज फोटो कितना सीबी ऐसा लग रहा है। तो गाइज फोटो कर लेना है थोड़ा सा, गाइज इसको फुल रख लेना है 100 पे। उसके बाद गाइज इसको सेटिंग पर कर लेना ठीक से, इसको ब्रश कर लेना और एक बार ठीक है। उसके बाद फोटो कर लेना है सेव। फोटो को कुछ स्टेप सेव करके यहाँ पे क्लिक कर लेना। ओके, फिर से गाइस इस वाला टूल्स के अंदर आ जाना आप लोगों को। इस वाला टूल्स के अंदर आ जाके ब्लर पे आके कुछ स्टेप से दो हाथ तक पकड़ के छोटा कर लेना इसको। ओके, उसके बाद इस साइड कर लेना, इसको 30 ही रखना। ओके, फोटो कर लेना से इस वाला ब्रश के अंदर आ जाना। उसके बाद व्यू एडिट पे क्लिक करना। उसके बाद फिर ब्लर पे क्लिक करना। ओके, ब्लर पे क्लिक करके इस वाला ब्रश के अंदर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से फोटो कर लेना है, यहाँ से फोटो जूम करके कुछ इस तरह फेस को और ब्रश चला लेना है। 50 रखना है, इस तरह से ब्रश चला लेंगे हम लोग। तो गाइज आपका फेस हो गया स्मूथ। तो गाइज आप लोग को हैंड कवर भी चला लेना। ओके, उसके बाद कर लेना फोटो को यहाँ से सेव। कुछ इस टाइप से फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइज फोटो सेव हो गया हमारा। फिर से आपको इस वाला टूल्स के अंदर आ जाना है। उसके बाद गाइज ब्रश पे क्लिक करना है। तो गाइज ब्रश पर क्लिक करना है। उसके बाद इस वाला टूल्स के अंदर क्लिक करना है। इस वाला ब्रश के अंदर फोटो लिप के ऊपर आप लोगों को अरेंज कर देना है। ओके, तो फोटो को जूम करके कुछ स्टेप से लिप का ऊपर ब्रश चला लेंगे हम लोग। तो गाइज फोटो को जूम करके तो आपको लिप अरेंज हो गया। ओके, कुछ स्टेप ठीक से चला लेना। ओके, फोटो कर लेना सेव। फिर से आपको इस वाला टूल्स के अंदर आ जाना है। इस वाला टूल्स के अंदर आके कुछ स्टेप से इस वाला ब्रश के टूल्स पे क्लिक करके फोटो के ऊपर प्लस को रख लेना है ठीक है, फेस के ऊपर। उसके बाद दोनों हाथ से जूम करके कुछ स्टेप से ब्राइटनेस को फुल, सैचुरेशन को -24 रख लेना है। उसके बाद फिर से प्लस के ऊपर क्लिक करना है। ओके, प्लस के ऊपर क्लिक करके कुछ स्टेप से हैंड के ऊपर रख लेना है। ओके, हैंड के ऊपर क्लिक रख लेना है। उसके बाद दो हाथ से फिर से पकड़ के कुछ स्टेप से कर लेना है ब्राइटनेस को फुल, सैचुरेशन को -1 ठीक है। फोटो करना है सेव। फोटो को सेव करके कुछ स्टेप से आपको आ जाना है शेयर वाला आइकन पे। ओके, शेयर वाला आइकन पर पिक्चर एप्लीकेशन को अंदर फोटो को कर लेना शेयर। ओके, तो गाइस फोटो आपका फाइनली पिक्चर एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है।
तो गाइस आप लोगों को टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। ओके, टूल्स के ऊपर क्लिक करके कुछ इस टाइप से इस वाला टूल्स पे क्लिक करना है। फोटो कर लेना है ऐसे जूम। उसके बाद गाइस हेयर के ऊपर इस वाला ब्रश को चला लेना है। आपको कुछ इस टाइप से हेयर एडिटिंग हो जाएगा। तो गाइस आपका हेयर का कितना अच्छी तरीके से एडिटिंग हो रहा है, तो गाइस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बिफोर आफ्टर। सो गाइस आप लोग बिफोर आफ्टर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो फोटो कर लेते हैं सेव। उसके बाद आते हैं ड्रॉ पे। ड्रॉ पे आके कुछ स्टेप से थ्री वाला डॉट पे क्लिक करना है।